बड़ी खबर है, बिहार में नए साल से एक्टिव मोड में है बीजेपी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई नेता कई जनसभाएं करेंगे। आपको बताते चले कि पीएम मोदी बिहार में 3 जनसभाएं कर सकते हैं, जिसमें कि बेगूसराय, औरंगाबाद और बेतिया संभावित जनसभाएं क्षेत्र है। आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह की भी कई संभावित जनसभाएं हैं, जिसमें कि वो सीतामढ़ी, मधेपुरा जा सकते हैं। और आपको बता दें कि सीएम नीतीश के गृह जिला नालंदा में भी अमित शाह जनसभा करेंगे। तो बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी बिहार में कमान संभालेंगे। कटिहार, महाराजगंज में बीजेपी अध्यक्ष संभावित जनसभा, आपको बता दें कि वहां पर जनसभाएं कर सकते हैं। तो बताते चले आपको कि जनवरी और फरवरी महीने में ही करीब 10 जनसभाएं होनी है बिहार में। और आपको बताते चले कि बीजेपी ने शीर्ष नेताओं के जनसभाओं की तैयारी जारी कर दी है। तो आपको बताते चले कि 2024 में अब लोकसभा चुनाव बेहद नजदीक है और ऐसे में बीजेपी ने कमर कस ली है। और बात करें अगर बिहार की, तो बिहार में बीजेपी जनसभा करने के लिए लिस्ट तैयार कर ली है कि कौन कौन से समय में और कौन कौन से दिग्गज नेता बिहार आएंगे। तो आपको बताते चले कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक बिहार में जनसभाएं करने वाले हैं। इससे जुड़ी ज्यादा जानकारी देने के लिए संवाददाता उत्कर्ष हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उत्कर्ष, देखिए 2024 अब हम लोग प्रवेश कर चुके हैं और लोकसभा बेहद नजदीक है, ऐसे में बीजेपी ने भी कमर कस ली है। क्या कुछ तैयारियां की जा रही है और बिहार में जनसभाओं को लेकर के क्या कुछ जानकारी मिल रही है? बिल्कुल लक्ष्मी, देखिए 2024 आ चुका है और ऐसे में लोकसभा चुनाव अब काफी नजदीक है और उसको लेकर कमर कसी है बीजेपी ने। बीजेपी के द्वारा करीब 10 सभाएं जो है वो बिहार में की जानी है, जिसमें बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, साथ ही साथ देश के प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री जो है वो तीनों ऐसे बड़े नेता जो है बीजेपी के वो बिहार में रैली करने वाले हैं, जिसमें बेगूसराय, औरंगाबाद, बेतिया, मधेपुरा, सीतामढ़ी, कटिहार, महाराजगंज जैसे जिले जो हैं वो शामिल हैं। और लगातार जो बीजेपी 40 सीटों की बात करती है कि बिहार में जो 40 सीटें हैं वो जीतने की बात करती है, इसके मद्देनजर जो है ये रैलियां होने वाली हैं, जहां पर प्रधानमंत्री बिहार आएंगे और महागठबंधन सरकार बनने के बाद पहली बार ऐसा होगा जब पीएम मोदी जो है वो बिहार आएंगे और रैलियों को संबोधित करेंगे। इसके अलावा गृह मंत्री भी आने वाले हैं और गृह मंत्री की इससे पहले भी कई रैलियां हुई हैं, लेकिन फिर से कई रैलियों को संबोधित करेंगे और ये साफ संकेत है कि अब चुनावी मैदान में बीजेपी उतर गई। तो उत्कर्ष, देखिए यहाँ पर भी ऐसा लग रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर ही बीजेपी चुनाव लड़ने वाली है, क्योंकि जिस तरीके से अब तक के जो चुनावी विधानसभा चुनाव के जो नतीजे आए हैं बाकी राज्यों में, वहां पर भी ऐसा ही हुआ है कि नरेंद्र मोदी के चेहरे पर ही चुनाव लड़ा गया है। बिल्कुल, देखिए पीएम फेस नरेंद्र मोदी है एनडीए की तरफ से और नरेंद्र मोदी के चेहरे पे ही लगातार चुनाव लड़ा जा रहा है और इस बार भी यही बातें सामने आ रही है कि नरेंद्र मोदी के चेहरे पे ही चुनाव होगी। क्योंकि अगर इंडिया गठबंधन की बात की जाए तो इंडिया गठबंधन में फिलहाल कोई ऐसा चेहरा नहीं है जिसको सामने करके इंडिया गठबंधन जो है वो चुनाव लड़े, और ऐसे में एनडीए के पास साफ चेहरा नरेंद्र मोदी है और नरेंद्र मोदी लगातार काम भी कर रहे हैं। अगर बिहार की बात की जाए तो बिहार में भी कई दौरे जो है इससे पहले हुए हैं महागठबंधन की सरकार बनने से पहले, लेकिन अब जो दौरे होने वाले हैं वो चुनावी दौरा है और इसमें ये भी माना जा रहा है कि कई सौगात जो है प्रधानमंत्री वो बिहार को दे सकते हैं, विशेष पैकेज के तौर पर भी दे सकते हैं ताकि बिहार की जनता को लुभाया जा सके। लक्ष्मी, ठीक है उत्कर्ष, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारियों के लिए।